Hello viewers, I am Dr. Amit Sahu, Consultant Intervention Radiologist, Neuro and Peripheral Intervention Radiology at Apollo Hospitals, Navi, Mumbai. Today we will be speaking about a very common problem which is varicose veins. So basically I will go through what are the common causes of varicose veins, what are the symptoms of varicose veins and then we will discuss what are the various treatment options and how to prevent varicose veins. सो बेसिकली हमारे पैरों में दो तरह की खून की नसें रहती हैं एक जिससे कि फ्रेश या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेग्स में आता है जिसको आर्टरीज बोलते हैं एंड दूसरी रहती हैं वेंस जिसके थ्रू इम्प्योर ब्लड या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है नॉर्मली नसों में वेंस जो रहती हैं उनमें वैल्व रहते हैं सो दैट ये इम्प्योर ब्लड वापस पैर की तरफ ना आए एट टाइम्स ये वैल्व वीक हो सकते हैं फॉर वेरियस रीजन्स जिसके कारण ब्लड वापस से लेग्स की वेंस में पूल होने लगता है जिसके कारण पेशेंट को वैरिकोज वेंस के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं ये वेरिकोज वेंस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कॉमनली लोगों में हल्की हल्की नीली नीली नसें दिखती हैं या ग्रीनिश वेंस दिखती हैं जिसको रेटिकुलर वेंस या स्पाइडर वेंस बोलते हैं और ज़्यादा ब्लड जमा होने से ये मोटी नसें होती जाती हैं जिसको हम लोग वेरिकोसिटीज या वेरिकोज वेंस बोलते हैं बहुत ज़्यादा ब्लड पुलिंग अगर होता है लंबे समय के लिए तो पेशेंट्स को हैवी एग्जर्शन या लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद पैर में हैवीनेस या टायर्डनेस फील होता है कुछ कुछ लोगों के पैरों में स्वेलिंग एंकल के अराउंड स्वेलिंग होती है एंड फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट या रेस्टलेसनेस का फीलिंग आ सकता है नॉर्मली पेशेंट्स जब लेटते हैं तो ये वेन्स के ब्लड क्लियर होने के कारण काफ़ी हद तक सिम्टम्स क्लियर भी हो जाते हैं एडवांस स्टेजेस में जब बहुत ज़्यादा वीनस कंजेशन होता है तो पेशेंट्स की स्किन के चेंजेस आने लगते हैं जैसे कि ड्राइनेस ब्लैक स्पॉट्स इचिंग ये सारी चीज़ें आने लगती हैं और एकदम एडवांस स्टेजेस में पेशेंट्स को नॉन हीलिंग वून्स या तो वीनस अल्सर्स हो जाते हैं जिसके लिए उनको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है किन लोगों में ये बीमारी होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है नॉर्मली देखा गया है जो पेशेंट्स ओबीस हैं उनमें ये वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन रहता है जो लोग कंटिन्यूस स्टैंडिंग का काम करते हैं या प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले जॉब्स करते हैं उनमें अगेन ये वेरिकोजवेंस का प्रॉब्लम होने का टेंडेंसी जाता रहता है बहुत सारे फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी वेरिकोज के सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं एंड कुछ कुछ लोगों में बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वेयरिंग ऑफ हाई हील्स या बहुत टाइट क्लोदिंग पहनने के कारण भी वेरिकोज वेंस होने का टेंडेंसी रहता है कुछ लोगों में फेमिलियल टेंडेंसी भी रहता है जिसके कारण वेन्स हो सकता है एट टाइम्स पेशेंट्स को डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीप वेंस के क्लॉटिंग होता है जिसके कारण इनको वेन्स होने का रिस्क बढ़ जाता है कॉमनली वेरिकोज एक बार डिटेक्ट होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए एंड उसकी सीवियरिटी असेस करने के लिए पैर का सोनोग्राफी जिसको हम लोग वीनस डॉपलर बोलते हैं उसके थ्रू कंफर्म किया जाता है कि वेरिकोज वेन्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना सीवियर डिजीज़ है इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस दो तीन तरीके से रहते हैं जिनमें कि सबसे कॉमनली जो रहता है जो वीक हो चुके वेन्स हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ वेरियस स्टॉकिंग्स बाय मींस ऑफ एक्सरसाइजेज बाय मींस ऑफ वेट कंट्रोल सो दैट जो ब्लड कंजेस्ट हो रहा है पैर में वो धीरे धीरे वापस फ्लो इम्प्रूव हो कुछ लोगों में मेडिकेशंस का भी यूजफुल पाया गया है जैसे कि वेन्स का टोन इम्प्रूव होने से उनका वीनस रिटर्न इंप्रूव हो जाता है एडवांस स्टेजेस में पेशेंट्स को इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स के द्वारा भी ट्रीट किया जाता है वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर वेरिकोज वेन्स इज द लेजर ट्रीटमेंट जिसको हम लोग एंडोवीनस लेजर ट्रीटमेंट बोलते हैं और ग्लू बेस्ड ट्रीटमेंट जिसको वीनाशील ट्रीटमेंट बोलते हैं दोनों ही प्रोसीजर्स नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं डे केयर प्रोसीजर्स हैं जिनमें कोई कट्स स्टिचेज नहीं रहते हैं बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स हैं नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स पेशेंट अपना नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है एंड इवन दिस प्रोसीजर आर वेरी कॉस्मेटिकली गुड एज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी स्टिचेज और कट्स पेशेंट्स का रिकवरी भी बहुत फास्ट है

इफ यू फील दैट आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं तो यू कैन गेट अ डिटेल्ड असेसमेंट डन हियर एट अपोलो हॉस्पिटल्स एंड आगे हम लोग इसके बारे में वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन वन टू वन बेसिस डिपेंडिंग ऑन वॉट योर फाइंडिंग्स आर क्लिनिकली एंड वॉट योर फाइंडिंग्स आर ऑन द डॉपलर फाइंडिंग्स थैंक यू वेरी मच